हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मैं ओमी जींदड़ और हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास इलेवंथ फिजिक्स। क्लास इलेवंथ फिजिक्स में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ। बच्चों, आप अपनी पेन कॉपी नोटबुक निकाल लें और मैं जब बातें बताऊँ उसे नोट डाउन करें, लिखें। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसकी वजह यह है क्योंकि मैं आपको जो बातें पढ़ा रहा हूँ वो रियलिस्टिक बातें हैं, सच है, आपके चारों तरफ हो रहा है। और जो आपके चारों तरफ हो रहा है अगर आप उसको सीखना चाहें तो बड़ा मजा आएगा। जैसे मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि अगर मैं एक लीटर की बात करूं तो एक लीटर के लिए ये इतना ही मेजरमेंट क्यों। एक लीटर हम एक ग्लास को भी बोल सकते थे, है ना। एक लीटर में जरूरी तो नहीं कि मैंने इसको बोला, हो सकता है मैं एक लीटर इसको भी बोलता। मैं ये भी कह सकता था कि ये एक लीटर है, मैं इसको भी एक लीटर कह सकता, लेकिन मैंने इसी को एक लीटर क्यों बोला। ये ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं, आपको सारी बातें बताने वाला हूं, क्यों हम इतना ही लेते हैं और किस तरीके से पूरी कहानी चलती है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको अब तक बताया था कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, यानी कि हमारे चारों तरफ जो जो भी चीज मिलती है सबके पास कोई ना कोई गुण होता है। जैसे ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास एक गुण है क्या, मास। हाँ, इसके पास मास है, इसके पास लेंथ भी है। तो अगर इसके पास मास है, इसके पास लेंथ है, तो हमें यह नहीं मालूम कि वो कितना है, यानी कि हमें मेजरमेंट नहीं पता। तो फिजिकल क्वांटिटी है, ये बात सही है, हमारे चारों तरफ की जो पूरी दुनिया है, जो पूरी चीजें हैं, वो बात सही, लेकिन वो कितना है, उस कितने को, क्योंकि फिजिक्स इज बेसिकली साइंस ऑफ मेजरमेंट। फिजिक्स में हम चीजों को मेजर किया करते हैं, मापा करते हैं कि कितना, ये तो हमें मालूम है। ये बातें देखिए, जैसे देखिए, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा था, एक कह रहा था नहीं कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, एक बोल रहा था नहीं आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो उस कंडीशन में वो केवल इस बारे में बात कर रहे थे, कम ज़्यादा, कम था ज़्यादा था, हम इस कम ज़्यादा की बात नहीं करना चाहते, हम बात करना चाहते कितना। तो उनके बीच में दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था कि ऐसा है, वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे कहा सर कल ज़्यादा गर्मी थी कि आज ज़्यादा गर्मी है। मैंने टेम्परेचर चेक किया, पता किया, कल 40 था, आज 41 है, तो मैंने कहा आज ज़्यादा गर्मी है। मैं कब उनके झगड़े को सुलझा पाया, तब मुझे उस क्वांटिटी के बारे में पता था कितना, कम ज़्यादा से नहीं कि इतना ज़्यादा है, इतना कम है, आप इतने ज़्यादा अच्छे हैं, आप उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, कितने ज़्यादा और कितने कम, इस चीज़ के बारे में तो हम बात नहीं कर सकते। हमें पता होना चाहिए कितना, पता होना चाहिए, तब जाके हम लोग क्लियरली बातों को समझ पाते हैं। तो उस कितने के लिए हमने क्या स्टार्ट किया, उस कितने के लिए हमने स्टार्ट किया यूनिट, यानी कि मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ, या मैं उसको कहूँगा स्टैंडर्ड मेजरमेंट, स्टैंडर्ड मेजरमेंट। बच्चों, अगर मैं स्टैंडर्ड मेजरमेंट की बात करूं तो ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात को बच्चों, बहुत ध्यान सुनना। मेजरमेंट में हमने उसको यूनिट ही क्यों बोला, कुछ और भी बोल सकते थे। तो हम किसी भी चीज़ को मापना चाहते हैं तो वन से मेजर करना चाहते हैं। कैसे, एक लीटर दूध, एक किलो ये, एक मीटर, या हर चीज़ को हम एक से स्टार्ट करना चाहते हैं, इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया कि ये आपका यूनिट है। आप 50 किलोमीटर जाएंगे लेकिन आप 50 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक से, तभी तो क्या बनेगा 50 इंटू एक, एक किलोमीटर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो क्या हो गया वो 50 किलोमीटर, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट कहा करते हैं। तो यूनिट को बेसिकली अगर सिंपल एक लाइन में मैं डिफाइन करना चाहूँ तो यूनिट का मतलब क्या होता है, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट। हमने एक स्टैंडर्ड मेजर कर लिया, उसके बाद हम किसी भी पॉइंट पर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जो यूनिट है उसको हम कहा करते हैं स्टैंडर्ड मेजरमेंट। इस स्टैंडर्ड मेजरमेंट की भी कुछ खास बातें होती हैं। जैसे जैसे क्या खास बात होती है, जैसे मान लीजिए हमें लेंथ को मेजर करना था, मैं पहले लेंथ के मेजरमेंट की सेटिंग करता हूँ। हमने अगर हमें लेंथ का मेजरमेंट करना था तो हमने एक इतना बड़ा एक वायर लिया, इतना बड़ा एक हमने लकड़ी का टुकड़ा लिया और उस लकड़ी के टुकड़े को हमने काट के रखा और हम सब साइंटिस्ट या सब लोगों ने मिलजुल के, इस दुनिया के लोगों ने बैठ के बता दिया कि आज से हम लोग इसको 1 मीटर कहा करेंगे। और इसको अगर 1 मीटर कहा करेंगे तो क्या किया गया, उस 1 मीटर के उस टुकड़े को रख दिया गया कहीं उठा के अलमीरा में और उसे माप के सब लोगों को वो 1 मीटर का टुकड़ा बांट दिया गया, सबको बांट दिया गया, इन द सेंस कि वो हमारे दिल्ली में आया, अपनी कंट्री के भी उसमें कैपिटल में आया, राजधानी में आया, वहाँ से फिर हर राज्य को, हर स्टेट को बांट दिया गया, वहाँ से उनसे भी बांटा गया, फिर हर तहसील में बांटा गया, आपके भी आपकी तहसील में रखा होगा, जो भी डीएम ऑफिस है, जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है वहाँ पे रखा होगा, सब लोग व्यापारी लोग वहाँ पे जाते हैं, मेजर करते हैं कि इतना होता है 1 मीटर और पूरा काम चल रहा है। इस तरीके से डिज़ाइन किए गए, डिसाइड किए गए कि इस तरीके से हम लोग यूनिट को डिसाइड किया करेंगे। तो बच्चों, ये जो यूनिट को डिसाइड करने का मेथड था उसकी भी एक करेक्टरिस्टिक है,
कि हम लोग यूनिट को मेजरमेंट, यानी कि जो मेजरमेंट की यूनिट है, उस यूनिट को कैसे डिसाइड करें और क्या क्या उसकी करेक्टरिस्टिक होती है। आइए मैं आपको करेक्टरिस्टिक वो सारी की सारी समझाता हूँ कि कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक वो होती है। तो बच्चों ये होती है कुछ करेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट। यूनिट की क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। हम एक एक को क्लियरली एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट था, इसको आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। क्या, जैसे उसने कहा पहला पॉइंट, इट शुड वेल डिफाइंड। इसका मतलब ये कि चीज़ें वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड होने का मतलब क्या, कैसे वेल डिफाइंड भाई, क्या कहानी है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई 0 डिग्री टेम्परेचर कितना होता है, या फिर मैं कहूँ कि चीज़ें जो 0 डिग्री टेम्परेचर होती है वो कैसी होती हैं। तो अगर मैं 0 डिग्री टेम्परेचर की बात करूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं आइस की बात करूँगा। और अगर मैं आपसे आइस की बात करता हूँ, बर्फ़ की बात करता हूँ, तो मैंने कहा कि अगर हम किसी भी चीज़ को ठंडा करेंगे तो वो ठंडा होते होते नेचर में 0 डिग्री पर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, बर्फ बन जाएगी। अब अगर वो ऐसा होता है तो फिर हमने देखा कि यार ऐसा पॉसिबल है, तो ठीक है हमने मान लिया ये 0 है, लेकिन उसमें डेफिनेशन सही नहीं थी। कुछ लोग कहेंगे सर अगर हम उसका प्रेशर चेंज कर दें तो, प्रेशर चेंज कर देंगे, प्रेशर बढ़ा देंगे तो उससे डिफरेंट उसके इफेक्ट आएंगे। इसलिए ये आपको पूरी तरह से डिफाइन करना है, कोई भी कसर पीछे नहीं छूटनी चाहिए कि आपकी डेफिनेशन में यहाँ प्रॉब्लम है। चीज़ें वेल डिफाइंड होनी चाहिए कि अगर आपको उसको ठंडा करना है तो एक नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, यानी कि नॉर्मल प्रेशर पर बेसिकली आपको उसको ठंडा करना चाहिए या गर्म करना चाहिए, जो भी आप समझें। अब उसके बाद ये तो पहली बात होगी कि वेल डिफाइंड होनी चाहिए यूनिट, उसकी करेक्टरिस्टिक है, मैं यूनिट की करेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ। पहली करेक्टरिस्टिक वेल डिफाइंड होनी चाहिए, बिल्कुल पूरी तरह से कोई कसर उसमें ना रह जाए। दूसरी बात, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया था कि हमने एक मीटर का लकड़ी का पूरा एक गट्टा बनाया, या लकड़ी की हमने लेंथ ली इतनी और उस लकड़ी को हमने क्या किया, रख दिया। अगर हमने उस लकड़ी को रख दिया और फिर उस लकड़ी को रखने के बाद हम उससे डिफरेंट डिफरेंट टुकड़े काट के डिफरेंट डिफरेंट कंट्री की जगह पर भेज दिए, वहाँ पर जैसे देखा कि बहुत ठंड हुई तो क्या हुआ, बहुत ठंड होने से या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाने से उस लकड़ी ने अपना साइज़ कम ज़्यादा कर लिया। अगर उस लकड़ी ने अपना साइज़ कम ज़्यादा कर लिया तो उस लकड़ी की वजह से हमने एक ज़मीन का मेजरमेंट किया था कि मैं आपको 20 मीटर इस तरीके से, वो 20 मेजरमेंट करके हमने किसी को ज़मीन दी कि ठीक है ये ज़मीन मैंने आपको दे दी। लेकिन क्या हुआ कि अगर मान लीजिए किसी भी टेम्परेचर या किसी भी रूम उसके मौसम के चेंज होने से, वेदर के चेंज होने से, या फिजिकल क्वान्टिटीज़ की वजह से उसमें चेंज आ गया, क्या चेंज आ गया उसमें, उसका साइज़ कम हो गया उस लकड़ी का। अब हमने फिर से उसको मेजर किया तो पता लगा वो तो 21 बैठे, वो ज़मीन उतनी थी बट उसका साइज़ जो हमारा मेजर करने की डिवाइस था उसका साइज़ कम हो गया, वो 21 बैठे, लड़ाई स्टार्ट हो गई, आपने हमारी ज़मीन दबा ली 1 मीटर। तब की क्या था, उसने नहीं दबाई थी, लेकिन प्रॉब्लम किस में आ गई थी, आपके मेजरमेंट सिस्टम में। इसलिए टाइम के साथ, समय के साथ वो चेंज नहीं होने चाहिए। सर लकड़िया के बना, लोहे का बना लेंगे तो जंग लग जाएगा, तो ये ऐसा हमें रखना है उसको कि इट शुड नॉट चेंज विद द टाइम। टाइम के साथ आपके मेजरमेंट के यूनिट्स हैं, मेजरमेंट के जो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट है, मेजरमेंट के जो भी आपने बनाया हुआ, वो चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड की बात करते हैं तो इट्स नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन चेंज होने का मतलब मेरा क्या था, प्रेशर और टेम्परेचर से ही है। प्रेशर टेम्परेचर एटसेट्रा अगर चेंज होता है तो आपके उस यूनिट के मेजरमेंट का जो पार्ट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। माइंड इट, चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज व्हाट, इट शुड बी कन्वीनियंट साइज, एक फिक्स साइज होना चाहिए। ना तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होना चाहिए कि बहुत ही छोटा हो, और ना वो बहुत ही लार्ज होना चाहिए कि वो बहुत ही बड़ा हो। ये पॉइंट बहुत खास है, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। हमने कैसे मेजर किया कि हमने 1 किलो 1 kg इतने, पहले लीटर से लेता हूँ मान लीजिए मैं, हमने कैसे डिसाइड किया कि हम इसको 1 लीटर लेंगे। भाई हम एक इतने से को भी तो 1 लीटर ले सकते थे, एक इतना सा हमने इसमें पानी भरा, दूध भरा और हमने कहा ये 1 लीटर है। तो हम इस बेसिस पर डिसाइड करते हैं यूनिट। जैसे सब ने कहा आप इतने को 1 लीटर ले लीजिए, कोई बहुत बड़ा ड्रम भर के लेके आए बोला आप इसको 1 लीटर कह लीजिए, और डिफरेंट डिफरेंट लेके आए। लेकिन एक बंदे ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि भाई मान लीजिए मैं एक दिन में 1 लीटर दूध पीता हूँ, इतना दूध पी जाता हूँ, पता नहीं आप पीते होंगे यानी पहले के लोग पीते होंगे, खैर मैं भी पी जाता हूँ, हाँ। तो अगर मैं 1 लीटर दूध पी जाता हूँ तो उस 1 लीटर दूध की बात कर रखी उसने कहा कि हम डेली बेसिस पे जो काम यूज़ होता है उसको हम लोग ले लेते हैं। तो उसने कहा मैं इतना दूध पी जाता हूँ, कोई बर्तन रहा होगा, उसने कहा इतना बड़ा बर्तन है, मैं इतना एक दिन में दूध पी जाता हूँ, तो मेरे लिए ये कन्वीनियंट है कि मैं इसको क्या बोल दूँ, 1 लीटर। क्योंकि अब मैं ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि अगर हम इतने से को 1 लीटर बना दें तो फिर वो बंदा इतना पिएगा तो हम क्या कहेंगे, ऐसे 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 करके 325 लीटर दूध पिया,
बड़ा अजीब सा लग रहा है बोलने में, हम क्या चाहते हैं, यूनिट बनाना चाहते हैं, एक बनाना चाहते हैं। तो हम हमारी डेली बेसिस पर जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखते हुए यूनिट का डिसाइड करेंगे। जैसे एक किलोग्राम की बात करूं मैं, कैसे एक किलोग्राम की बात करूंगा, तो इतनी सब्जी, एक किलोग्राम सब्जी ठीक है काफ़ी होती है घर में यूज़ करने के लिए। तो अगर काफ़ी है एक सब्जी एक दिन के लिए, तो हम क्या कहेंगे, एक किलोग्राम उतने कहेंगे। अगर कोई आपको कहे आके कि भाई साहब आप इतने मास को कह दो एक किलोग्राम, फिर आप सब्जी लेने जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, 5000 किलोग्राम सब्जी देना, नहीं ना। अब आप ठीक है आप डेली एक किलोग्राम रखती है, आप जाएंगे आप एक किलोग्राम दे दो, यूनिटरी मेथड, यानी कि आपको चीज़ें फिक्स पता होनी चाहिए। इस तरीके से ही चीज़ें डिसाइड की गई। लेकिन अगर बहुत सारी बात करें, जैसे मान लीजिए मुझे कोई भी सामान गेहूँ मंगवाने हैं, राइट, गेहूँ मंगवाने बहुत सारे, तो मैं क्या कहूँगा, मुझे आप 120 किलो या फिर 170 किलो या फिर आप 250 किलो गेहूँ दे दें, नहीं, उसके लिए हमने बड़ी चीज़ देख के क्या बना लिया, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बड़ी चीज़ देख के हमने क्या बना लिया, हमने कह दिया टन, एक टन, दो टन, तीन टन, फिर ऐसा फील हो रहा है। हम लोग ऐसे भी हमने क्या किया, उसकी बड़ी यूनिट बना ली, छोटी तो हमने बनाई इतनी जो रेगुलर यूज़ करते हैं, तब बड़ी बात करती है तो वहाँ के लिए हमने बड़ी यूनिट बना ली, उसको क्या बोलने लगे लोग, टन। और छोटे की बात करते हैं, हम सुनार को जाके ऐसा कहते हैं कि आप मुझे 225 × 10⁻²⁰ किलोग्राम सोना दे दीजिए, नहीं ना, हम उसको क्या कहते हैं, हमने और छोटा कर लिया यूनिट को। या आप किलो में मांगते हैं कभी सोना, नहीं किलो में नहीं मांगते हैं कि आप मुझे 0.000025 किलोग्राम सोना दीजिएगा, नहीं समझ आएगा। उसको हमने क्या किया, उसको मिली ग्राम में ले लिया, राइट, उसको हमने तोला कहते हैं, उसको तोले में तोलना स्टार्ट कर दिया। तो डिफरेंट यूनिट्स हमने बनाई अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कि भाई इसको हम ऐसे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि हमें इस यूनिट को समझने में दिक्कत ना हो। तो मैं आपको जो बातें पढ़ा रहा हूँ वो आपके नेचर के चारों तरफ की बातें पढ़ा रहा हूँ कि ये सब काम हो कैसे रहा है। एक लीटर क्यों लिया हमने इतना ही, हमने एक किलोग्राम की इतनी बात क्यों की, हमने एक मीटर की इतनी बात क्यों की, अगर वो मीटर बन भी गया तो हम सबको कैसे पता लगा, किस तरीके से, अगर हम किसी को चाहें जानना कि भाई एक लीटर इतना ही क्यों, आपका ये मेजरमेंट गलत है या कोई प्रॉब्लम है इसमें, तो फिर क्या करोगे, फिर उसको कौन है हमें जो बताएगा कि नहीं इतना ही होता है एक लीटर। उसके लिए मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर उसकी करैक्टरिस्टिक की फॉर्म में बताया है। लेकिन इसकी बहुत डिटेल स्टडी कि भाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरीके से सोचा गया है कि भाई ये एक किलोग्राम है, ये एक ग्राम है, ये इतनी चीज़ें हैं, किस किस तरह से उनका सिस्टम बनाया गया है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले हैं। आज मैंने केवल आपको ये बातें सिखाई हैं कि यूनिट्स क्या होती हैं और उन यूनिट्स के बेसिस पर हम लोग किस तरीके से डील किया करते हैं, किस तरीके से हम लोग मेजर किया करते हैं कि भाई हमने फिजिकल क्वांटिटी जैसे मास पढ़ी, उस मास के लिए यूनिट क्या, किलोग्राम। जैसे हमने फिजिकल क्वांटिटी लेंथ पढ़ी, उस लेंथ के लिए क्या यूनिट, आपकी जैसे मीटर मान लेते हैं, किलोमीटर मान लेते हैं, टाइम सेकंड। तो ये सब जो चीज़ें डिसाइड हुई ये किस बेसिस पर डिसाइड हुई और कौन किस किस तरीके से इसको यूज़ करते थे, वो पूरी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। बच्चों एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आपको समझ आ गया तो इतना मज़ा आता है भाई साहब, ज़रूरी नहीं आप जॉब के लिए पढ़ें, आप साइंस एंजॉय करेंगे। दिस इज सिंपल लॉजिक, बहुत सिंपल सा लॉजिक है और बहुत थोड़ा सा मैथ्स है, बाकी कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ऐसा फील आता है कि हाँ ये सब चीज़ें इसलिए बनी हुई है, हमारे नेचर के बारे में चारों तरफ की नॉलेज हमें मिलती रहती है, राइट, कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, कितना कितना स्कोप है, किस किस तरह से हम लोग बातें किया करते हैं, किस किस तरह की हमारे चारों तरफ की चीज़ें हो रही होती हैं। तो कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कि इससे आगे की कहानी क्या है और किस तरीके से हम उसको समझा करते हैं। तब तक आप लोग खुश रहिएगा, नोट्स बनाते रहना। थैंक यू वेरी मच।